नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में, जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, आज हम उस लेक्चर में देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसका हम स्टार्टअप और शटडाउन कैसे करते हैं। एक लेक्चर में हम स्टार्टअप कम्प्लीट करेंगे और दूसरे लेक्चर में हम इसका शटडाउन कम्प्लीट करेंगे। आप देख सकते हो कि ये मशीन आप लोगों के सामने है, जिसमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है कुछ इस तरीके की। आप लोग देख सकते हो, ये इसकी PLC है, आप PLC देख सकते हो। इसके बाद में ये क्लैंपिंग यूनिट हो गई और ये स्पेसिफिकेशन इसका लगा हुआ है। क्लैंपिंग यूनिट है JIT 80, ठीक है। यहाँ पर कुछ आप छोटे शब्दों में यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि ये सारा इसका स्पेसिफिकेशन लगा हुआ है कि कौन सी मशीन है, कौन सा मॉडल है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, जो प्रेशर है वो कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये इसकी MCB लगी हुई है, ठीक है। ये MCB होती है, जिसे बोलते हैं आप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये यहाँ पर डाउन होती है और अगर हमें मशीन को चलाना होता है तो हम इसे क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। मैंने यहाँ से इसे ऑन कर दिया। तो सबसे पहले मशीन को स्टार्टअप करने से पहले MCB को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद में यहाँ पर एक स्विच आप लोग देख रहे होंगे, ये स्विच लगा हुआ है। तो ये कौन सा होता है, ये मेन स्विच होता है किसी भी मशीन का। तो सबसे पहले MCB ऑन करेंगे, उसके बाद में ये स्विच आप लोगों को ऑन कर लेना है। ये ऐसे ऑन हो जाएगा। जब आप मेन स्विच ऑन कर लेंगे, उसके बाद पे आप देखेंगे कि PLC पे कुछ लोडिंग चलने लगेगी, ठीक है। ये PLC है, ये मशीन लोडिंग हो रही है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके की मशीन आप लोगों को देखने को मिलेंगी जहाँ पर भी आप काम करते हो। थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक PLC में प्रोग्राम नहीं आ जाता है। ठीक है, ये प्रोग्राम आप लोगों के सामने आ चुका है। तो इसके बाद में सबसे पहला काम, दो काम हम कर चुके हैं, जो आपकी MCB उठा चुके हैं, मेन स्विच आप ऑन कर चुके हो। तो इसके बाद में सबसे पहला काम जो होता है वो हीटिंग को ऑन करने का होता है, ठीक है। ये हीटिंग का ऑप्शन है और हम इसे क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। जैसे ही हमने हीटिंग को ऑन किया तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, हीटर ऑफ ऑन का जो बटन है, कीज़ है, वो दी हुई है और यहाँ पर एक जो लाइटिंग है वो हो गई है। और ऊपर जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर बैरल भी शो हो रहा है। इस बैरल पे आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रीन ग्रीन हो रहा है, येलो हो रहा है। अगर आप लोगों का टेम्परेचर कंप्लीट है तो बैरल ग्रीन हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कंप्लीट नहीं है तो ये रेड शो होगा। मैंने पहले से ही हीट ऑन करके रखी थी ताकि आप लोगों को देरी ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर बैरल जो है वो ग्रीन हो चुका है कि जो हीटिंग थी वो कम्प्लीट यहाँ पर आ चुकी है। तो जैसे ही हमारी हीट कंप्लीट हो जाएगी तो हम मशीन को चलाने का, स्टार्टअप करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहूँगा कि जब तक आप हीट ऑन करते हो और हीट ऑन करने पर जब तक आपकी हीट आएगी, कंप्लीट होने में समय लगेगा, 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं। तो जब हीट आ जाएगी, उससे पहले, हीट आने से पहले आप लोगों को कुछ काम कर लेने हैं। जैसे मान लो कि हमारी हीट अभी तक नहीं आई है तो फिर हम थाली तो बैठ नहीं सकते जब तक। तो हम क्या करेंगे, मोटर को ऑन करेंगे। ये मोटर का ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। ये मोटर ऑन हो चुका है। तो जब तक हमारी हीट आएगी तो हम कुछ और काम भी कर लेते हैं। जैसे ये क्या है, मैनुअल में है मशीन अभी, तो हम क्या करेंगे, मोल्ड को चेक कर लेंगे। तो मोल्ड को चेक कैसे करेंगे, ओपन क्लोज करके, टनज लेके, कंप्लीट करके हम मोल्ड को चेक कर लेंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि हमारा जो मोल्ड है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी कौन सी, कि हम इजेक्टर को भी चेक कर लें। तो हम विंडो को ओपन कर लेते हैं, ये हमने विंडो ओपन कर ली है मशीन की, और हम क्या करेंगे, अब जो आपका इजेक्टर होगा वो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इजेक्टर आप लोग देख सकते हो, ये कुछ तरीके से आप इजेक्टर भी चेक कर सकते हो। ये इजेक्टर पीने हैं,
ये आप लोगों को फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाती दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हो एक इजेक्टर प्लेट लगी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने इजेक्टर भी चेक कर लिया, और इजेक्टर के ऊपर क्या लगा होता है, एक लिमिट स्विच लगा होता है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो लिमिट स्विच लगा होता है, लेकिन इस मशीन में लिमिट स्विच नहीं लगा है। तो इसलिए आपको मशीन चलाने से पहले लिमिट स्विच को भी ध्यान में रखना है कि आप लोगों का लिमिट स्विच लगा हो, ताकि इजेक्टर आप लोगों का डैमेज ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद में हम क्या कर लेते हैं, इससे पहले ही कर लेते हैं कि जो आप लोगों की मशीन है उस पर 5S कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये रोड आप लोगों को दिख रही होगी, ब्रेस रोड पड़ी हुई है, ये मशीन पर यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इसकी यहाँ पर जगह नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसे उठाऊँगा और जहाँ पर भी इसकी जगह होगी टूल बॉक्स में या जहाँ पर भी, मैं इसे ले जाकर वहाँ पर रख दूँगा। तो मशीन पर अगर कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट पड़े हुए हैं और वो भी एक व्यवस्थित ढंग में नहीं है, तो आप लोगों को उन्हें व्यवस्थित ढंग में कर लेना है, और अगर इक्विपमेंट पड़े हैं तो उन्हें वहाँ से हटा लेना है, ठीक है। ये सारा का सारा 5S आप लोगों को कंप्लीट कर लेना। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5S का चार्ट भी लगा हुआ है। आप अपने प्लांट में इस तरीके के चार्ट आप लगा सकते हो, ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि 5S होता क्या है, ठीक है। तो अब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक इंडिकेटर आप लोगों को दिख रहा होगा, जो कौन सा ब्लर कर रहा है यहाँ पर, ये है रेड कलर का, ठीक है, रेड येलो और ग्रीन। मशीन को चलाने से पहले मैं इसका स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता देना चाहूँगा एक बार। सबसे पहले ये लिखा हुआ है मेक JIT मशीन, फिलीपींस कॉरपोरेशन के बनी हुई है, ये फिलीपींस की बनी हुई है। मॉडल नंबर आप लोग इस पर यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद में है इंजेक्शन कैपेसिटी मैक्सिमम, किस में, GPPS में। GPPS का मतलब होता है जनरल पर्पस पॉलीस्टायरीन। इसके बाद में आप नीचे चलोगे तो आप लोगों को मिल जाता है कि जो GPPS है, जनरल पर्पस पॉलीस्टायरीन में, इसकी जो कैलकुलेट है कैपेसिटी की गई है, और वो कितनी है, 117 ग्राम आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में इंजेक्शन प्रेशर मैक्सिमम कितना आप रख सकते हो, 181 MPa मतलब होता है मेगा पास्कल एरिया। इसके बाद में क्लैंपिंग फोर्स है, वो 80 टन आप देख सकते हो, न्यूटन में आप इसे चेंज कर सकते हो। इसके बाद में है आप लोगों का मैक्सिमम डेलाइट, ठीक है। मैक्सिमम डेलाइट का मतलब होता है कि जो ये प्लेट होती है, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होती है ये प्लेट होती है आप लोगों की, कौन सी, फिक्स प्लेट होती है, ठीक, फिक्स प्लेट होती है जिसमें कैविटी लगी होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो मूविंग प्लेट होती है जिसमें कोर लगी होती है, और मैक्सिमम जब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेलाइट बोलते हैं, कौन सी, मैक्सिमम डेलाइट। अगर हम मिनिमम डेलाइट की बात करते हो तो इसमें क्या है, कम से कम जितनी इसकी हाइट होगी, या आप लोग बोल सकते हो कि डिफरेंस होगा, डिस्टेंस होगी, उसे हम मिनिमम डेलाइट बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोल्ड हाइट मिनिमम कितनी है, 100 है, ठीक है, और प्लेटेन साइज कितना है, 485 × 485 mm। डिस्टेंस बिटवीन टाई बार, जो टाई बार होती है ये आप लोग देख सकते हो, ये सिल्वर कलर की जो लगी हुई है ये टाई बार है। अगर मैं दूसरी टाई बार दिखाऊं तो ये है, और अगर मैं तीसरी टाई बार दिखाऊं तो ये है, और उसके नीचे भी एक टाई बार लगी हुई है। तो ये चार टाई बार होती हैं, और इन चारों टाई बार के बीच की जो डिस्टेंस होती है आपस में, उसे ही हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टाई बार। तो ये कितनी आप लोगों को देखने को मिल रही है, यहाँ पर है 320 × 320 mm। मटेरियल आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हो इसमें, तो LDPE, SDPE, PP, ABS, PS, PC, PVC, ETC। एप्लीकेशन भी यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, आप लोग इन्हें भी नोट कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन सी एप्लीकेशन इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा बनी हुई हैं। आज हम मशीन का स्टार्टअप देखेंगे, तो चलते हैं अपने स्टार्टअप की तरफ, बाद में मशीन के जो भी फंक्शन होते हैं, पार्ट होते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। ये मशीन आप लोग देख सकते हो, तो मैं इसका जो ओवरव्यू है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, लुब्रिकेंट फेल दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये गेट आप लोगों का ओपन है, तो मैं गेट को बंद कर लेता हूँ, ये गेट बंद हो चुका है। और मशीन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मटेरियल का भी ख्याल रखना है कि मटेरियल आप लोगों का बंद ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मटेरियल है, अगर हम इसे इधर कर देंगे होपर को, तो ये बंद हो जाएगा, और अगर हम इसे बैरल के ऊपर लेके जाएंगे तो ये मटेरियल ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन यूनिट जो है हमारी वो आगे गई हुई है, यहाँ पर नोजल से टच है, नोजल जो है वो मोल्ड से टच है, तो हम इसे क्या कर लेंगे,
बैक कर लेंगे। तो बैक जब हम करेंगे तो देखते हैं कि किस बटन से हम इसे बैक करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है नोजल ऐड और नोजल रिट्रैक्ट। तो हमें क्या करनी है, ये रिट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हमने रिट्रैक्ट की तो आप लोगों की जो इंजेक्शन यूनिट है वो पीछे आ चुकी है। जब भी हमें पर्ज कराना है, पर्ज का मतलब होता है जो बैरल होता है उसमें जो ख़राब मटेरियल पड़ा हुआ है उसे ही हम बाहर निकालते हैं, उसे ही हम बोलते हैं पर्ज। ठीक है, बैरल को साफ़ करने की जो एक तरीके से क्रिया होती है उसे हम पर्ज बोलते हैं। और वो हम कब करेंगे, जब हमारी जो इंजेक्शन यूनिट है वो बैकवर्ड चली जाएगी, इसे हम बोलते हैं ओपन पर्ज। तो जब मैं पर्ज कराऊंगा तो यहाँ पर देखूंगा कि जो पर्ज का बटन है या पर्ज की की है वो कौन सी है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो पर्ज। तो जैसे ही मैंने ऑटो पर्ज इसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पर पर्ज होना स्टार्ट हो गया है, ये आप देख सकते हो। एक साउंड भी आप लोगों को आ रही होगी। और ये पर्ज जब तक चलता रहेगा जब तक मटेरियल आप लोगों का साफ ना हो जाए और जो भी टाइमिंग आप लोगों ने इसमें सेट की होगी तब तक ऑटो पर्ज ये चलता रहेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जो भी लम्स आया है मैं उसे साफ़ कर लेता हूँ। ये लम्स था तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ ताकि मशीन चलाने में हम लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने पर्ज करा लिया है, तो आप लोगों को भी पर्ज कराना है जब भी आप लोगों को मशीन का स्टार्टअप करना है। जब हम पर्ज करा लेंगे तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, मशीन को जो इंजेक्शन यूनिट है उसे बैकवर्ड फॉरवर्ड लेकर जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये फॉरवर्ड चली गई है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो फिर से ये मोल्ड से टच हो गई है, जो नोजल है वो मोल्ड से टच हो गया है। और यही हम चाहते थे मशीन को, इस मशीन के स्टार्टअप के लिए। ठीक है, तो अब हमारा जो पूरा काम था वो कंप्लीट हो चुका है। हम एक बार कूलिंग भी चेक कर लेते हैं कि कूलिंग हमारी ऑन होनी चाहिए। इस मशीन पर कूलिंग जो है वो दी नहीं हुई है, अभी स्टार्ट नहीं है। तो आप लोगों को कूलिंग ज़रूर चेक कर लेनी है, चाहे वो चिल्लर लगा हो, चाहे कूलिंग टावर से पानी डायरेक्ट आ रहा हो, या फिर आप लोगों की MTC लगी हो, जो भी लगी है आप लोगों को कूलिंग का पूरा पूरा ध्यान रखना है। नहीं तो पिन मार्क की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो मैंने कूलिंग चेक कर ली है इसकी, तो कूलिंग अभी हमने दी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप लोग ने कूलिंग दी हुई है तो आप लोग उसे ऑन ज़रूर कर लें। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है मोड, ये मैनुअल मोड है, ये सेमी मोड है, ये सेंसर मोड है, सेंसर ऑटो और ये टाइम ऑटो है। अगर आप लोगों को मैनुअल में कोई भी काम करना है तो आप यहाँ पर ये सारी की सारी जो कीज़ हैं ये जो काम करती हैं मैनुअल में ही काम करती हैं, सेमी में काम नहीं करेंगी, सेंसर ऑटो में काम नहीं करेंगी और टाइम ऑटो में काम नहीं करेंगी। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि मशीन में कितने मोड होते हैं तो ये सारे के सारे आप लोगों को मोड दिखाई दे रहे हैं, मैनुअल मोड, सेमी मोड, सेंसर ऑटो, टाइम ऑटो या फिर सेटिंग मोड, 4-5 मोड आप लोग देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेमी मोड में जाना है। तो जैसे हम सेमी मोड में जाओगे तो ये लाल बत्ती आप लोगों को दिख जाएगी, ये हमारा सेमी मोड ऑन हो चुका है। हम डिस्प्ले में भी देख लेते हैं, यहाँ पर आप डिस्प्ले देख सकते हो, तो सेमी मोड हमारा ऑन हो चुका है। तो जब हमारा सेमी मोड ऑन हो जाएगा तो अब नीचे देखो कि यह क्या लिखा रहा है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लीज़ ओपन द डोर। तो ये डोर है, मैंने एक बार ओपन कर दिया है। फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हुआ है प्लीज़ क्लोज डोर। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ डोर को। अब क्या है, अब ये बोल रहा है कि प्रेस प्लीज़ क्लोज की। तो क्लोज़ की देखते हैं कहाँ पर है, तो ये क्लोज़ की यहाँ पर है, यानी कि जो मोल्ड को क्लोज़ करने की है वो यहाँ पर है। और मैं इसे दबा कर देखता हूँ कि मशीन चलती है या नहीं। ठीक है, ये मशीन चल पड़ी है, मोल्ड हमारा बंद हो चुका है और मशीन अब सेमी ऑटो में स्टार्ट हो गई है। हम वेट करेंगे पूरी साइकिल कंप्लीट होने का, और उसके बाद में जब तक पार्ट नहीं आता है तो हम देखते हैं कि हम मशीन चलाने में कामयाब हुए हैं या फिर नहीं। मैं डिस्प्ले को साथ के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूं। इस वक्त आप लोग देख सकते हो रिफिलिंग हो रही है और कूलिंग दोनों साथ साथ हो रही हैं, और सेमी ऑटो में हमारी जो मशीन है वो काम कर रही है, कूलिंग चल रही है, रिफिलिंग बंद हो गई है। अब जैसे ही मोल्ड ओपन होगा, आप लोग देख सकते हो मोल्ड ओपन हो चुका है और इसके अंदर पार्ट था, इजेक्टर हुआ और पार्ट नीचे आकर गिर गया। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि हमारी जो मशीन है वो स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर हमें दोबारा शॉर्ट लेना है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, गेट खोलना पड़ेगा, और गेट खोलने के बाद में हमें फिर से क्लोज की दबानी पड़ेगी और मशीन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर पार्ट आएगा, हम देख लेते हैं ज़रा, ये इंजेक्शन हो चुका है, हमारी कूलिंग चल रही है।
साइकिल टाइम हमारा 23.24, 25, 26, 27 ये आप लोग सारा देख सकते हो, और जैसे ही इजेक्टर होगा तो पार्ट हमारा बाहर आएगा। ठीक है, ये पार्ट हमारा आ गया है, मैं पार्ट को उठा लेता हूँ और देखता हूँ कि पार्ट हमारा कैसा बनकर आया है। ठीक है, तो ये पार्ट है आप लोगों के पार्ट सामने है, और ये क्या है, हिंज होते हैं, जो अटैची होती है उसके हिंज यहाँ पर मोड़ लगा हुआ है और उसे ही हम लोग बना रहे हैं। तो आप लोगों के सामने मैंने स्टार्टिंग से ही मशीन को चला दिया है और पार्ट भी लगभग सही आ रहा है। थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी, वो भी मैं धीरे धीरे आप लोगों को वीडियो में सेटिंग करनी सिखा दूंगा। तो आज हमारा जो पर्पस था वो आप लोगों के सामने स्टार्टअप की वीडियो लाना था कि स्टार्टअप अगर मशीन का आप लोग कर रहे हो तो वो कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो दो चार शॉट हम और ले लेते हैं। ये हमारे सेमी ऑटो है, तो मैं अगर दोबारा से इस साइकिल को लूँगा तो मशीन चल जाएगी और मैं आप लोगों को ऑटो में भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये जो मशीन होगी वो आप लोगों को ऑटो में भी देखने को मिलेगी। ये सेमी ऑटो मोड है, मैं इसे कर देता हूँ फुल्ली ऑटो, फिर ये खुद से चलती रहेगी। ये मैंने फुल्ली ऑटो कर दिया और ये जो रेड बल्ब है या जो आप लोगों की लाइट है ये ऑन हो गई है, और अब आप लोगों की जो मशीन है वो लगातार चलती रहेगी जब तक मैं इसे रोक नहीं देता या फिर मटेरियल हमारा ख़त्म नहीं हो जाता या मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती, ये जब तक चलती ही रहेगी। तो देखते हैं दो चार शॉट लेके फुल्ली ऑटो में। ठीक है, पार्ट बाहर आ चुका है, फिर से मशीन खुद से चलने लगी, मैं दूर खड़ा हूँ तो ये अब फुल्ली ऑटो में चल रही है। तो मशीन को स्टार्टअप करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है इसका, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टाइम ऑटो, तो यहाँ पर भी साइन आ रहा है टाइम ऑटो का। ठीक है, टाइम ऑटो का। तो इसके बाद में मशीन को हमने स्टार्टअप कर दिया है, अब हम देखेंगे कि मशीन को हम शट डाउन कैसे करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ।